Hello everyone, I am Anshul, welcome to my channel, and here we are discussing about our next topic, which is air separator. Previously we have done cyclone separator, this time we are discussing air separator. So let's get started. So basically air separator or cyclone separator का अगर आप diagram देखें तो लगभग कुछ एक समान सा ही नजर आता है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी आपका लगभग सिमिलर सिद्धांतों पर काम करता है, सेम जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था साइक्लोन सेपरेटर में, कि वो भी किस पे काम करता था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता था, अभी केंद्रीय बल के ऊपर काम करता था। बस इसमें ये अंतर है कि इसमें जो एयर है, जो एयर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चक्रवात हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ब्लेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ब्लेड को हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कि इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर एंड क्या बोलते हैं, इट इज हैविंग अ फीड इन अपर साइड ऑफ द पार्ट, इट इज हैविंग रोटेटिंग डिस्क एंड रोटेटिंग ब्लेड टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ एयर और टू जनरेट एयर, देन देयर इज इन बेस देयर इज टू आउटलेट फॉर फाइन पाउडर एंड हेवी पाउडर, ठीक है। तो आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपरी भाग में फीड है, फीड का मतलब जहां से हम प्रोडक्ट को इनलेट कराएंगे, इसमें टेंजेंशियल इनलेट नहीं है जो साइड में था जैसे उसमें, इसमें ऊपर में फीड दिया हुआ है। आप यहाँ पर फीड जो है प्रोडक्ट को बोला है, यहाँ पर मैंने हॉपर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आप साइड में हॉपर भी लिख लीजिएगा। देन यहाँ पर रोटेटिंग डिस्क और रोटेटिंग ब्लेड है, अभी अपने आप को घूमेगा नहीं, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, एक मिनट रुकेंगे, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम बोल रहे हैं क्या, शाफ्ट। एक शाफ्ट है, जब ये घूमेगा तो ये ब्लेड्स भी घूमेंगे, पर ये शाफ्ट कैसे घूमेगा, कहीं ना कहीं ये शाफ्ट जो है एक मोटर से कनेक्ट होगा, एक मोटर से कनेक्ट होगा, कहीं भी दिया नहीं है, मोटर से कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद जब मोटर घूमेगा तो मोटर से शाफ्ट घूमेगा और शाफ्ट के कारण ये ब्लेड्स जो घूमेंगे, ये हम देखेंगे अभी वर्किंग में। तो नेक्स्ट आता है आपका इसका वर्किंग, की वर्किंग कैसे है, कैसे ये काम करता है। बहुत ही छोटा है, छोटा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि सिमिलर मैंने आपको पढ़ाया है इसके पहले, इसको साइक्लोन सेपरेटर को। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, फीड से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट जिसका हमको साइज सेपरेट करना है हम उसको इनलेट करा रहे हैं। अब इनलेट कराने से पहले हम यहाँ इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर देंगे, मोटर का स्विच ऑन करेंगे, मोटर घूमना चालू होगा, मोटर घूमने चालू होने के साथ साथ जो ये शाफ्ट है ये घूमना चालू होगा, शाफ्ट घूमेगा तो ये जो ब्लेड्स है वो घूमना चालू करेगा, घूमना चालू करेंगे तो अंदर एक साइक्लोन जैसा एनवायरमेंट तैयार होगा, ऐसे एयर जो है यहाँ पर घूमती रहेगी। अब क्या होगा, हम यहाँ अपना प्रोडक्ट डालेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक स्विच है मोटर में जो क्या करता है, इसकी स्पीड को कम और ज्यादा कर सकता है, ठीक है, इसकी ब्लेड्स की स्पीड को। तो ब्लेड की स्पीड हमको इतनी रखनी है, यहाँ एक फंडा है, ध्यान से देखिएगा कि इतनी स्पीड रखते हैं ब्लेड की, कि जो फाइन पाउडर है वो तो कम स्पीड में भी यहाँ हवे में उड़ने लगेंगे, ठीक है, हवे में आने लगेंगे, और जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनके लिए स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, काफी तेज करना पड़ेगा। तो इतनी स्पीड पर रखते हैं इसको कि छोटे जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो इसमें आकर मिल जाए, और जो बड़े पार्टिकल हैं उनके लिए ज्यादा स्पीड लगती तो बड़े पार्टिकल यहाँ से गिरकर हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और छोटे पार्टिकल इसमें हवा में उड़ते रहते हैं। जब बड़े पार्टिकल निकल आते हैं तो फिर छोटे पार्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, इसको मशीन को बंद करते हैं, बंद धीरे धीरे स्लो करते हैं, तो उसके जो पाउडर्स है यहाँ टकरा टकरा कर जो छोटे पाउडर्स है वो यहाँ से फाइन पाउडर्स है वो यहाँ से अलग हो जाते हैं। यही है इसकी वर्किंग, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें
मशीन को ऑन किया, मशीन ऑन किया तो शाफ्ट जो थी वो घूमने लगी, मोटर घूमने के कारण शाफ्ट घूमा, शाफ्ट घूमने के कारण ब्लेड घूमा, ब्लेड घूमने के कारण यहाँ पर एक चक्रवात जैसा, एक साइक्लोन जैसा इफेक्ट तैयार हुआ। फिर हमने क्या किया, आपको प्रोडक्ट को डाला, प्रोडक्ट को डालने के बाद प्रोडक्ट क्या हुआ, घूमने लगा, तो स्पीड जो थी हमने इतनी कंट्रोल की इसकी स्पीड की, जो फाइन पाउडर्स है वही घूमे, जो कोर्स बड़े पार्टिकल्स है जिनकी स्पीड ज्यादा लगती है वो पार्टिकल्स यहाँ से अपने आप आए और इससे मिलकर यहाँ नीचे निकल गए, तो बड़े पार्टिकल्स यहाँ से सेपरेट हो गए। जब सेपरेट हो गए बड़े पार्टिकल्स तो फिर छोटे पार्टिकल्स को क्या किया हमने, मशीन की स्पीड स्लो की और वो यहाँ टकरा कर यहाँ से गिर गए। ठीक है, ये फंडा है आपका वर्किंग का, किसका, एयर सेपरेटर। तो उसके बाद होपफुली आपको समझ आ गया होगा, तो प्रिंसिपल क्या था, इट वर्क्स ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सा हिस्सा है, किस किस मटेरियल का बना हो सकता है आपको बता रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज हो सकते हैं इसको बनाने में, जैसे कि मैंने बताया था कल, एल्यूमिनियम, स्टील, आपका प्लास्टिक वगैरह वगैरह चीजों से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है एडवांटेज, सिमिलर है लगभग लगभग सारी चीजें सिमिलर है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है, लो कैपिटल कॉस्ट। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट जो है वो कम है, सस्ता इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, यहाँ पे लेस लिखा नहीं है, मैंने एरो बनाया है, तो लेस मतलब कि कम मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा नहीं आता। उसके बाद स्मॉल स्पेस रिक्वायर्ड, कम जगह चाहिए होता है इसको रखने के लिए, कम जगह पर आ सकता है, कहीं पर लटका करके इसको कई जगह पर रखा जाता है, तो ज्यादा जगह जो है वो घेरने का काम नहीं करता। डिसएडवांटेज सेम है तुम्हारा, आई हट गया यहाँ से, तो इनएबिलिटी टू हैंडल स्टिकी मटेरियल। ठीक है, इनएबिलिटी टू हैंडल स्टिकी मटेरियल, स्टिकी मटेरियल को आप इसमें यूज नहीं कर सकते। बाकी सारी चीजें सेम है, सेम टू सेम आप यूज उसका लिख सकते हैं कि साइज सेपरेशन में काम आता है, और आपके जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर कोर्स पार्टिकल को फाइन पार्टिकल्स को अलग करने के काम आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपकी एयर सेपरेटर की, बस ये वाला यूज नहीं आएगा, टू सेपरेट सॉलिड गैस टू सेपरेट हैवी कोर्स हीट टू फाइन, हाँ ये चलेगा, ये वाला यूज चलेगा कि कोर्स से फाइन को अलग करना। ठीक है, आया समझ में, तो ये था आपका एयर सेपरेटर, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।